दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यूपीएससी की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई, तो आज के इस वीडियो में हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि भारत में सिविल सेवाओं की नींव का रखने का जो श्रेय है वो वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया जाता है, जबकि यह चार्ल्स कॉर्नवालिस थे जिन्होंने सिविल सेवाओं की आंतरिक कार्य प्रणाली में सुधार और इसका आधुनिकीकरण किया था। उनके प्रयासों के लिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय सिविल सेवा की पहली परीक्षा 1855 में लंदन में हुई थी और एक भी भारतीय वहां परीक्षा देने नहीं गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी होने लगा, सबसे पहले इलाहाबाद में तथा बाद में फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ ही दिल्ली में भी इन परीक्षाओं का आयोजन आरंभ हुआ। लंदन में हो रही परीक्षा का आयोजन सिविल सेवा आयोग ही कर रहा था। यूपीएससी हर साल देश में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1924 में ली गई आयोग द्वारा मजबूत सिफारिशों के तहत की गई थी। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में धौलधर हाउस में है और अपने स्वयं के सचिवालय के माध्यम से कार्य करता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग है। यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। तो यूपीएससी से जुड़ा ये आपको फैक्ट कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।